शराय अथवा टेरर। जनाब अशोक भट्ट साहब जो यहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हैं जैफरान कॉलोनी में, और इनके साथ साथ हमारे कॉरपोरेटर जो लतीफ अहमद मीर साहब और हमारा मेरी पराश्वसी की पूरी टीम और आप सब मौजूद शख्सियात, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बारिश के हालात में ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे पहुंचे हमारी शान बढ़ाने के लिए। जो हमारी मीटिंगें जो हमेशा चलती रहती हैं, तो अभी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट जिनको नए से हमने मुंतखब किया है पार्टी ने, तो इनको हौसला अफजाई के लिए और दूसरा यहाँ पर जो ये टीम बननी थी उसके लिए हमने यहाँ पर इनको रिक्वेस्ट किया है कि कैसे टीम बनानी है, कैसे आगे जाना है, कैसे और हमें काम करना है। दूसरा यहाँ पर अभी जो कि लोगों में एक गलत तवसुर है, मतलब गलत एक दिमाग में, नेचुरली जब गवर्नमेंट कोई रूल निकालता है या कोई ऑर्डर निकालता है फिर उसमें बहुत सारे शक शुबात जो होते रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर आए थे कि हमारे जी 5 मरले की ज़मीन है या 10 मरले की ज़मीन है, वो शायद गवर्नमेंट ले लें। मैं आपके माध्यम से इन सबों को, कश्मीर के आवाम को, जिनके पास भी 5 मरले 10 मरले 1 कनाल ज़मीन है, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। हाँ, ये जो है, ये जो ऑर्डर आया है, ये जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने हमारा खून चूसा है आज तक, उनके लिए है। जिनके पास 200-300 कनाल है उनके लिए ये ऑर्डर है। तो ये मैं फिर से वाजिया करता हूँ, तो ऐसा कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर, यहाँ के जो कि एरिया है, इन्होंने कुछ मसाइल भी बोलते हैं, कुछ रोड का मसला है इनका है, एक यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है, यहाँ पर एक प्लेग्राउंड होना चाहिए था, एक पार्क होनी चाहिए थी, चिल्ड्रंस पार्क होनी चाहिए थी। ये चीज़ें भी हम इनके जो भी चिल्ड्रन पार्क हैं, ये जो कि वक्फ बोर्ड का लैंड है, हमारी दर्शना जी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए भी वो काम करें। देखिए फारूक अब्दुल्ला को ये पता नहीं है कि उमर अब्दुल्ला क्या कर रहा है। उमर अब्दुल्ला बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, फारूक अब्दुल्ला बोलता है इनको घर में, पहले तो वो घर को जुड़ाएँ, फिर तो वो जुड़ाएँ, वो इस मुल्क को जुड़ाएँ।